अमरोहा नगर के मोहल्ला प्रीत विहार कॉलोनी में श्रीमती चंद्रकांता अग्रवाल ने अपने आवास पर दीपोत्सव मनाया और दीपक जलाकर भगवान श्री राम के मंदिर निर्माण से पूर्व होने वाले शिलान्यास पर पर्व पर खुशी जाहिर की। उन्होंने बताया कि पहले भगवान श्री राम 14 वर्ष के वनवास पर गए थे, लेकिन अब भगवान श्री राम 500 वर्ष के वनवास के बाद फिर से अयोध्या में अपनी वापसी कर रहे हैं, इसीलिए पूरे देश में दीपोत्सव मनाया जा रहा है। हम लोग आज और कल दीपोत्सव मनाएंगे और पूरे देश हिंदू अपनी श्रद्धा के अनुसार भगवान श्री राम के स्वागत में दीपोत्सव मनाकर दीपक जलाकर भगवान श्री राम का भव्य स्वागत करेंगे। समर इंडिया के लिए अमरोहा से रोहित कुमार की रिपोर्ट। भगवान राम के मंदिर के बनने की खुशी में ये 500 वर्ष के बाद ये आज दिन आया है, बड़े खुशी की बात है। आज नींव रखी, कल नींव रखी जाएगी, आज हनुमान गढ़ी पे दर्शन हुए। तो ये दीपोत्सव क्यों मनाया गया? भगवान राम के मंदिर के में हमारा चल गया था मुकदमा, जो झगड़ा चल गया था वो आज झगड़ा में पूरा हो गया, मंदिर का में मिल गई आ गया मंदिर बनाने की। इसके लिए श्रेय किसे दोगी? मैं नरेंद्र मोदी को। और योगी जी को? योगी जी को। नरेंद्र मोदी जी ने शुरू में ये उठाया था कि मैं आऊँगा जब मंदिर बनेगा। भारतीय स्वाभिमान और शौर्य का उद्घोष, राजनीतिक मुद्दों से लेकर जनता के हितों की बात, अब होगी नई उम्मीद के साथ बदलते नए भारत की सोच। समर इंडिया, यही तो सच है।